तो भाई वो कितना सुंदर घर है यार। ये देखो भाई, ये देखो जितेश से लड़ता है पूरा दिन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपना नया घर देखने, तो देखते हैं भाई कैसा घर है। तो दो घर देखे हम लोगों ने, तो पहले अभी एक घर देखने जाते हैं। मम्मी जी पापा जी हम सब जा रहे हैं, तो मम्मी जी पापा जी की चॉइस से भी तो होना चाहिए, तो चलो चलते हैं। खाने में खा रहा हूं मैं चावल और आलू गोभी की सब्जी, और साथ में मिली है भाई ये देसी लस्सी, जो मतलब आती है ना गांव से, वो है लस्सी। ये देखो इनको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो खाली खाली। भाई ये देखो माधव कितने साल का है, और ये हृदय कितने साल का है, तीन का भी नहीं हुआ अभी। ये देख लो इसकी हाइट देख लो भाई। तो सब लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि हृदय मोटा क्यों नहीं होता, क्योंकि हृदय की हाइट बढ़ रही है इसलिए अभी ये मोटा नहीं हो रहा। जब इसको डाइट प्लान दूंगा ना मैं अपना, फिर देखना मस्त मोटू गोलू मटोलू हो जाएगा। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? नहीं पूछो सबसे कैसे हो आप। तो गाइस अभी निकल चुके हैं घर देखने के लिए, तो देखते हैं अभी कैसा घर मिलता है। आई होप अच्छा ही मिले है ना। हाँ, अच्छा मिला तो ले लेंगे, और क्या, बढ़िया मिलना चाहिए। तो जितेश माधव वहीं रहे करेंगे। स्कूल से ही वहीं आ जाएंगे। तुम्हारा स्कूल तो पास ही है ना उस घर के। भाई ये तो सही है। तो गाइस ये चीज तो सही है कि जितेश माधव का जो स्कूल है ना वो भी बिल्कुल ही पास है घर के, तो भाई ये स्कूल से सीधा भी आ सकते हैं, फिर जब इनको ट्यूशन जाना होगा फिर आ जाएगा घर पे। तो भाई अभी आ गए जीजू, जीजू दिखाएंगे घर कहाँ पे है। और भाई ये लोकेलिटी देखो कितनी मस्त है भाई, ये देखो। और ये है बयान अंकल जी का घर, मतलब विधायक जी का घर हमारे हासी के। तो भाई वो कितना सुंदर घर है यार, ड्रीम होम है तो यार, पूरी जिंदगी लग जाए तो भी नहीं ले पाएंगे। भाई बहुत महंगा है। तो चलो आगे चलते हैं, अभी घर देखते हैं अपना कौन सा है। भाई ये सबसे बड़ी चीज पता क्या है, यहाँ पे एरिया बहुत अच्छा है, पार्किंग हमें मिल जाएगी घर के बाहर ही, गाड़ी सीधा घर के बाहर आती है, तो ये चीजें यहाँ पे बेस्ट है। बाकी अभी घर दिखाता हूँ कैसा है अपने वाला। वो भाई यहाँ घर देखो, सारे घर सुंदर सुंदर बने हुए, देखो ये कितना प्यारा घर बना हुआ यार। भाई कितना सुंदर घर है, मम्मी देख रहे हो है ना, ये तो ऐसे लग रहा है भाई, ये तो बेटे बूढ़ा हो जाएगा, तू बूढ़ा हो जाएगा, फिर ले पाएंगे, फिर जब लट्ठी लेके चल रहा होगा ना फिर लेंगे। भाई हम देखने आए ये वाला घर अभी, ये देखो ये वाली बिल्डिंग है पूरी, तो ये देखने आए अभी रहने के लिए। बस मेरे को मेन चीज ये देखनी है कि डे लाइट अंदर आती हो, ताकि व्लॉग्स वगैरह में दिक्कत ना हो। और भाई ये देखो ये एरिया, यहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाएगी, ये पूरा खाली प्लॉट पड़ा है यहाँ पे। नर्वस हो गए? तो हमारे यहाँ प्यारे से सब्सक्राइबर मिले हैं, नर्वस हो गए देख के। तो भाई ये है यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री करते ही भाई अपने को यहाँ मिल जाता है पूरा एरिया। यहाँ पे हम लोग डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, और दूसरी बात ये मिल जाएगा अपने को ड्राइंग रूम, दूसरा यहाँ पे अपने को मिल जाता है एक वॉशरूम, और उसके बाद देखते हैं रूम्स। और ये किचन है भाई, देखो किचन भी मस्त लग रहा है, ये तो फुल मस्त किचन है भाई। और दो बेडरूम है, तो ये हो जाएगा मास्टर बेडरूम, क्योंकि इसके अंदर है वॉशरूम भी। लेकिन यार दो बेडरूम कम रहेंगे हमें ना, दो बेडरूम कम नहीं रहेंगे, आपको क्या लगता है? अच्छा ये इसके अंदर बाथरूम है, तो भाई ये देखो पूरा नया बना हुआ है, देखो पूरा का पूरा नया बना हुआ है, और ये अलमीरा इसके साथ अटैच है। ये तो सही चीज है अलमीरा वाला, तो अलमीरा बढ़िया भाई, देखो अलमीरा तो बहुत स्पेशियस है, ये तो सही लग रहा है, अलमीरा सही लग रही है बढ़िया। बस स्पेस का देख लो, है मम्मी स्पेस देख लो आप, बस मेन तो स्पेस का है अपने को। ये देखो इसको मस्त अपना खेलने की लग रही है, भाग के दिखाओ ये देखो भागने लग गया। और सबसे बढ़िया चीज पता क्या है यार, ये बालकनी देखो कितनी सुंदर बालकनी है, मस्त लग रहा है, बालकनी सुंदर है भाई। दिल्ली की बहुत छोटी छोटी बालकनीज होती है, इसका फ्रंट बहुत बड़ा है। इसके अंदर ना एक चीज तो बहुत बढ़िया है इस घर के अंदर, कि जो सूरज है ना वो सामने से आएगा, तो व्लॉग्स में तो मस्त लगेगा घर, मतलब कि पूरी डे लाइट अंदर आ रही है, क्योंकि हर जगह पे कांच 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 शीशे लगे हुए हैं। और एसी के लिए भी बढ़िया है कि भाई कूलिंग भी बढ़िया रहेगी गर्मी में। तो अभी देखते हैं घर जाके डिस्कस करते हैं, पूरा घर तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ से मैं क्या कहता अगर चढ़ गया हृदय ना, हाँ भाई ये है कि हृदय के लिए यहाँ पर ये सेफ नहीं है। ये देखो भाई ये देखो, नहीं यार अभी यही तो बात कर रहे हैं हम, हृदय छोड़ो छोड़ो हृदय, गिर जाओगे नीचे नीचे गिर जाओगे, चढ़ जाएगा ये तो सीधा क्या है, कितना फेर आके। भाई ये बात तो सही कह रहे हो, ये तो सीधा नीचे, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, कह रहे मैं आपकी बात ही नहीं सुनता, देखो क्या कह रहे हैं मेरे को, सुनो तो सही क्या कह रहे हो हृदय, सुनो क्या कह रहे हो, मैं मेरे से नाराज है यार, सॉरी हृदय यार, ये देखो नाराज हो रहा है भाई, देखो बात ही नहीं कर रहा मेरे से, ये देखो अंदर अंदर घुसता जा रहा है मेरे से, बात ही नहीं कर रहा हृदय, ये देखो रुक गया, बात तो कर लो मेरे से, ये देखो फिर घूम गया मम्मी बाबू, बात करते हैं पापा से, नाराज हो गया भाई, ऐसे मना तो करनी पड़ती है ना बाबू, तो भाई ये देखो नाराज हो गया यार, ये इसको नाराज होने का भी पता है। और गाइस सेकंड रूम के अंदर ना ये जो सारा है ये है सारा वॉशिंग एरिया, यहाँ पे मम्मी की वॉशिंग मशीन वगैरह फिट हो जाएगी, तो देखते हैं अभी, तो फाइनल जैसा भी होता है बता देना मम्मी घर चल के, मम्मी यहाँ तो शर्मा रहे हैं बोलने में, घर चल के बता देना। बाहर नहीं जाने दे रहे, कौन नहीं जाने दे रहा आपको बाहर, जितेश भैया यार जाने दो यार बाहर। ये देखो भाई ये देखो जितेश से लड़ता है पूरा दिन, ये देखो
भाई देखो जितेश लड़ाइयां कर रहा है, रिदा मैं नहीं नहीं साइकिल गिर जाएगी। ये देखो इसको बॉल दिख गई यार, अब ये बॉल उठा के भागेगा और ये देगा भी नहीं। अब ये तो बॉल मार रहा तेरे को भाई, तेरे को मारने के लाए। ये जो है ना ये तो छोटा है, मान लो अगर गलती से कोई ध्यान कभी कभार नहीं भी जाता ये भाग आता है हृदय ना जाएगा। भाई गाइस ये बात तो सही है कि अगर गलती से एक दिन भी गेट खुला रह गया ना तो हृदय तो भाई वहाँ पे चढ़ के और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटी। आपने देखा होगा पीछे वीडियो में कि हृदय पूरा मतलब ये लगा लो चढ़ ही जाएगा उस पे और नीचे भी गिर जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है भाई हमारे लिए। बाकी अभी देखते हैं, बाकी तो घर अच्छा था, सुंदर था घर, बस ये चीज मेन है यार, हृदय की टेंशन है मेन। मम्मी कैसा लगा घर फिर? घर तो ठीक है। हाँ फिर बहुत सुंदर है घर तो। हाँ बाकी हृदय वाली भी दिक्कत है और पैरिया भी बहुत है, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगी ना बड़ी। हाँ भाई मम्मी को ये भी दिक्कत है, पैर में दर्द रहता है, हर टाइम तो दवाइयां खा रही हूं फिर। और ये बहुत शरारती है, अभी भी ऊपर चढ़ गया था वहाँ पे। और ये किसने दिया, ये कहाँ से लाए हो? पता नहीं कहाँ से उठा लेते चीजें। हम यहाँ काफी टाइम से रह नहीं रहे ना, तो ये पूरा घर भी देखो कितना सुंदर घर है वैसे हमारा भी, लेकिन ये सारा घर पूरा अबैंडन्ड हो गया, मतलब सारी जगह मिट्टी धूल। ये देखो ये नया ओवन लिया था हमने और ये पूरा का पूरा देखो मिट्टी में पड़ा है, क्योंकि हमारे दिल्ली में तो है ही ओवन। भाई क्या क्या बना रहे थे बताओ? ब्रेड पिज्जा। तुम्हें क्या भाई, तुम शेफ भी बन गए क्या पीछे से मेरे? और हमारे पास ना यहाँ पे देखो सिलेंडर विलेंडर भी रख रखे हैं, ये दो तीन सिलेंडर भी है, क्योंकि ना ये देखो जो यहाँ पे गीजर है ना वो सिलेंडर वाला लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत जाती है हाँसी में। तो यार देखो सब चीज यहाँ पे धूल मिट्टी देखो कितनी मिट्टी हो रखी है। देखो यहाँ पे टूट भी गए और यहाँ चल रही है मेकिंग। भाई अब बनेगा यहाँ पे ब्रेड पिज्जा, मैं भी खाऊंगा यार, खिलाओगे ना? बस बनाना मिट्टी वाला मत बना देना, पर चला उसके अंदर चूरन क्या क्या मेरे को खिला दो तुम। हाँ ये बात भी ठीक। भाई ये देखो घर के अंदर सब कुछ टूट गया है, क्योंकि हम लोग रह नहीं रहे ना यहाँ पे। ये देखो ये भी टूट गया पूरा, ये जुगाड़ लगा के तो इसको पानी भर रहा है इसके अंदर। तो गाइस मैं तो इस घर को भी देखता हूँ ना यार, मुझे बहुत प्यारा लगता है घर, क्योंकि घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और एक चीज अपनी पसंद की लगवाई थी, तो मैं यार ये सोच रहा हूँ कि यार इसी को क्यों ना सही कर ले। लेकिन फिर यूं आते कि यार लोकेलिटी अच्छी नहीं है और सारा पानी वानी भरा रहता है, फिर वो कीचड़ वाले पैर अंदर आते हैं और फिर सारे घर के अंदर वो कीचड़ दिखता है। तो देखते हैं, कल भी जाएंगे घर देखने तो शायद वो पसंद आ जाए, तो कल वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी खाएंगे ब्रेड पिज्जा। भाई ये ब्रेड पिज्जा मेरे को लग रहा है मिट्टी वाला खिलाएंगे, इन्होंने साफ भी नहीं किया ऊपर से। धोया इसको? हाँ। ये ऊपर से तो नहीं धोया। भाई देखते हैं, देखो पिज्जा बना भी दिया इन्होंने, अंदर रख भी दिया ब्रेड पिज्जा, तो अभी खा के देखेंगे कैसा बनेगा। क्या कहते हो फिर मम्मी, पसंद आया घर? बाबू देख मकान में तो कोई कमी नहीं है। तो फिर अब क्या सोचा है फिर? मैं तो यही सोच रही हूँ इसी को ही अब सेट करते हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना छोटा भी नहीं है। ऊपर दो बेडरूम बना देते हैं फिर, या तो बेडरूम तो एक ही चाहिए, दो बना देते हैं, क्या दिक्कत है, बाहर वाले ऑफिस वाली जगह पे बेडरूम बन जाएगा। तो गाइस अभी मम्मी जी कह रहे हैं कि इसी को ना डेकोरेट करते हैं, सारी धूल मिट्टी साफ सफाई करते हैं एक दिन मिलके होली से पहले। यहाँ पर ब्रेड पिज्जा बन के रेडी हो चुका है। भाई ये देखना क्या बना के लाया यार, ये कैसा जला वो पिज्जा है, और ये कितना छोटा पिज्जा है भाई, किसका पेट भरेगा इसमें, 15-20 खाने पड़ेंगे मुझे तो भाई, ये 15-20 बना के ला भाई। ये कह रहा है ये खाओ, जला हुआ खिला रहे मम्मी, जला हुआ। मम्मी जी तेज़ से पूछ रहे हैं ये कहाँ से सीखा है, सीखने को बड़ा नहीं, इसने स्टैंडर्ड की चीज बना दिया है, सारा जला रखा है और ऊपर बस ये भी गंदे से लग रहे हैं भाई मुझे तो, ये कहाँ डस्टबिन से उठा के लाएगा। खा के जला हुआ मस्ता, तूने खाया भाई? मैं तो नहीं खाऊंगा। देखो क्या करने जा रहा है इसको, देखो डस्टबिन में डाल रहा है भाई, डस्टबिन में डाल भाई, खा ले, खुद बनाया, देखो गाइस इसने खुद डस्टबिन में डाल रहा है भाई, फूड वेस्ट नहीं करते यार, डाल दिया। तो गाइस बाकी का डिसीजन छोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों पे, तो आप लोग बताना मेरे को इसी घर में रहना चाहिए, मेरे को नया घर लेना चाहिए, मेरे को दिल्ली रहना चाहिए, मेरे को हाँसी रहना चाहिए, सब चीजें सोच के आप लोग भी बताना, कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू सो मच, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से।